डी एर स्टूडेंट्स नर डिस्कसिंग आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ लेजिस एंड स्टैंडर्ड्स और पर्टिकुलर इसमें हम जिसको हम देखना चाहते हैं टॉपिक तो को वो है इंस्पेक्शन कि किस तरह से जो कंप्लाइंस ऑफिसर हैं या आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के ऑफिसर्स हैं वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं इंस्पेक्शन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग प्रस्टैब्लिश बाई ओ एस एच एफ इमिनेंट डेंजर सिचुएशन कौन सी सिचुएशन डेंजरस है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है उसको मैनेज करना है सुपरवाइज करना है गाइड करना है उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है कैटस्टो एंड फेडरल एक्सीडेंट्स इंप्लाईज कंप्लेंट्स प्रोग्राम हाई हैजर्ड इंस्पेक्शन फॉलोअप इंस्पेक्शन ये अगर आप गौर से देखें तो ये चारों पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं बहुत डिटेल बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ऑर्गनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लाई की कंप्लेंट्स होती हैं उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन पहले देखती है और प्रोग्राम हैजर्ड्स के वहाँ पर जो हैजर्ड्स हैं कहाँ कहाँ हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव किया जाता है और इंस्पेक्शन एक दफ़ा करने के बाद अगर कुछ आपने सुजेशन दे दी ऐसा नहीं है कि उनको बाद में इंप्लीमेंट करने के बाद दोबारा चेक नहीं किया जाएगा दोबारा चेक किया जाएगा ताकि फॉलोअप से पता जा किया जा सके कि वो किस हद तक इंस्पेक्शन की जो रिपोर्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर द एक्ट अपॉन प्रजेंटिंग अप्रोप्रिएट क्रीडेंशल्स टू दिनर ऑपरेटर आर एजेंट इन चार्ज इंस्पेक्शन प्रोसेस कैसे चलता है जो उसकी बेसिकली डेफिनेशन है कि द हु विल मैनेज द होल एक्टिविटीज ऑफ इंस्पेक्शन और जो पर्टिकुलर हेल्थ सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं वो इस कंप्लाइंट्स को कैसे चेक करेगा कैसे उसकी बेस के ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन कंप्लाइंस ऑफिसर इज ऑथोराइज टू एंटर विदाउट डिले एट रीजनेबल टाइम एनी फैक्ट्री प्लांट एस्टेब्लिशमेंट कंस्ट्रक्शन साइट और अदर एरिया वर्क प्लेस अद एनवाइट यानी कि इसको लेजिटीमेट हाँ लेजिटमेट कह लें कि इसका राइट right है कानूनी तौर पर इसका राइट right है कि ये कि किसी फैक्ट्री में दाखिल होके उसकी साइट को रेलिवेंट एरियाज को इंस्पेक्ट कर सकता है चेक कर सकता है मोनीटर कर सकता है और बुनियादी मकसद क्या है कि ऑर्गनाइजेशन के अंदर जो काम हो रहा है क्या वो बिल्कुल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक है लेकिन एक बात का ख्याल रखा जाएगा कि ये ड्यूरिंग ड्यूटी आद होगा ड्यूटी आ है ए टू फाइव एट से पहले और फाइव के बाद ये उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता

ऑफिसर पहले से बता देता है कि इसी एम्प्लॉय को हमने आपका विजिट करना है तो उस शख्स को एक हजार डॉलर फाइन हो सकता है या छः माह की जेल हो सकती है ये बेसिकली क्या है ये स्टैंडर्ड है जिनको फॉलो किया जा रहा है इंस्पेक्शन प्रोसेस इफ एन एम्प्लॉय रिफ्यूज टू एडमिट एन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन कंप्लायंस ऑफिसर आर इफ एन एम्प्लॉयर अटैम्प इंटरफेयर विद इंस्पेक्शन द एक्ट परमिट्स अप्रोप्रियट लीगल एक्शन एक्ट के अंदर यह प्रोविजन मौजूद है कि अगर इम्प्लॉयर तावर नहीं कर रहा या इंटरफेरेंस कर रहा है तो दोबारा से एक्ट के अंदर यह प्रोविजन मौजूद है कि इंस्पेक्शन प्रोसेस के बाद या इंस्पेक्शन प्रोसेस के दौरान वो उस बंदे के ऊपर पेनल्टी या फाइन या जेल दोनों इम्पोज कर सकते हैं टिपिकली कम्पलाइंट ऑफिसर रूज एंट्रेंस टू अवर्क प्लेस आर एक्सेस टू एनी पार्ट ऑफ इट्स एंड कंडक्ट्स द इंस्पेक्शन एज प्लांट इस सादे का जो मतलब है वो ये है कि आकुपेनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन कंप्लाइंस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट एनी प्लांट, एनी ऑर्गेनाइजेशन आर एनी सद इन द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका